600 करोड़ की आदिपुरुष में कृति और सैफ को मिले हैं इतने करोड़, तो वहीं प्रभास की फीस जानकर उड़ जाएंगे सभी के होश। तो प्रभास आदिपुरुष का ट्रेलर आने के बाद अब सबकी नजरें फिल्म की रिलीज डेट पर टिक गई हैं। ट्रेलर का ऑडियंस को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऑडियंस का रिस्पांस देखने के बाद आदिपुरुष के मेकर्स को लग रहा है कि हमने 600 करोड़ एक सही फिल्म पर लगाए हैं। वरना टीजर देखने के बाद हर कोई इस फिल्म के किरदारों की काफी ज्यादा आलोचना कर रहा था, लेकिन इस बड़े बजट में बनने वाली फिल्म की स्टार कास्ट ने काफी ज्यादा भर भर के पैसे लिए हैं। प्रभास की इस मल्टी स्टार फिल्म का टीजर देख लोगों ने फिल्म पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे। फिल्म के किरदारों का लुक ऑडियंस को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था, तो वहीं बीते दिनों कृति सैन को सीता के रूप में देखकर ऑडियंस के बीच इस फिल्म को लेकर खूब चर्चा चल रही थी। हालांकि बदलाव के बाद जब फाइनली लोगों के सामने फिल्म का ट्रेलर आया तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया था, जिसके बाद अब प्रभास के कंधों पर इस फिल्म को हिट कराने की पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई है। एनडीटीवी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आदिपुरुष में अपने किरदार के लिए प्रभास ने सीधे सीधे 100 करोड़ रुपए की फीस बढ़ा दी है। इससे पहले प्रभास को आदिपुरुष के लिए 50 करोड़ रुपए की फीस मिलने वाली थी, लेकिन अब प्रभास ने सीधे सीधे 100 करोड़ रुपए और बढ़ा दी, जिसके बाद प्रभास अब आदिपुरुष से 150 करोड़ रुपए की फीस वसूल करने वाले हैं। सैफ अली खान आदिपुरुष में रावण की भूमिका में है। इस माइथोलॉजिक कैरेक्टर के लिए उन्हें 12 करोड़ रुपए की फीस मिली है, तो वहीं सीता की भूमिका के लिए कृति सैन को 3 करोड़ रुपए की फीस दी जा रही है। लक्ष्मण बने सनी सिंह की फीस 1,50,00,000 रुपए बताई जा रही है। ओम राउत के डायरेक्शन में बन रही इस बिग बजट फिल्म की लागत फिलहाल 600 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है। फिल्म का ट्रेलर आने के बाद से ही फिल्म के मेकर्स को ये उम्मीद हो गई है कि अब ये फिल्म हमारा बजट तो निकाल ही देगी। प्रभास ने इस फिल्म से इतनी ज्यादा फीस लिया ये बात जानकर हर कोई हैरान हो सकता है। तो फिर अब आप सभी को क्या लगता है, आदिपुरुष रिलीज होने के बाद हिट होगी या फिर फ्लॉप? अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा। जो दोस्त चैनल पे पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।